हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हैरी पॉटर फैक्ट्स के एपिसोड नंबर 2 में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैरी पॉटर के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने हैरी पॉटर एंड द डेडली हॉलोज पार्ट 2 मूवी में देखा था कि बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स में वोल्डेमॉर्ट और हैरी के बीच में फाइट होती है, और उसके बाद हैरी, हरमाइनी और रॉन ये तीनों मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के अंडर काम करने लग जाते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक क्या होता है, तो जिस तरह किसी कंट्री में एक सरकार होती है यानी कि एक गवर्नमेंट होती है, उसी तरह हैरी पॉटर की जादुई दुनिया में मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक होती है। और अगर हम बात करें हैरी पॉटर की, तो हैरी पॉटर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में ऑरर ऑफिसर का हेड बन जाता है। और अगर आपको नहीं पता कि ऑरर क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जादुई दुनिया में ऑरर्स आमतौर पर पुलिस को कहा जाता है, यानी कि उनका काम होता है बुरे जादूगरों को पकड़ने का। क्योंकि हमने हैरी पॉटर एंड द डेडली हॉलोज़ पार्ट 2 मूवी में देखा ही था कि वोल्डेमॉर्ट पूरी जादुई दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया था। तो इन ऑरर्स का काम होता है ऐसे बुरी जादूगरों को पकड़ने का, यानी एक तरह से हम उसे जादुई दुनिया की पुलिस भी कह सकते हैं, और हैरी पॉटर उन्हीं का हेड बन जाता है। और अगर हम बात करें हरमाइनी ग्रेंजर की, तो यहाँ अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पर अगर आपको समझाऊँ, तो जिस तरह से एक कंट्री में एक मिनिस्टर होता है, उसी तरह हरमाइनी ग्रेंजर मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में एक मिनिस्टर बन जाती है। और अगर हम यहाँ बात करें रॉन वीजली के बारे में, तो रॉन वीजली को भी मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में काम मिलता है, लेकिन वो इस काम को करने से मना कर देता है, और वो जॉर्ज के साथ उसकी दुकान को चलाने के लिए चला जाता है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जॉर्ज और फ्रेड दो जुड़वा भाई होते हैं, लेकिन उसमें से फ्रेड मर जाता है और जॉर्ज खुद को बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करने लग जाता है, इसलिए रॉन जॉर्ज की हेल्प करने चला जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें गिनी वीजली की, तो हैरी पॉटर एंड द डेडली हॉलोज़ पार्ट 2 मूवी के बाद गिनी वीजली एक प्रोफेशनल क्विडिच प्लेयर बन जाती है, और वो हॉलीहेड नाम की एक टीम के साथ खेलने लग जाती है। बट उसके बाद उसके बच्चे हो जाते हैं और वो इस टीम को छोड़ देती है। लेकिन बाद में जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो वापस से क्विडिच गेम में आती है, लेकिन इस बार वो गेम को खेलती नहीं है, बल्कि वो क्विडिच गेम की एक कॉरेस्पॉन्डेंट बन जाती है। और अगर आपको नहीं पता कि कॉरेस्पॉन्डेंट क्या होते हैं, तो कॉरेस्पॉन्डेंट आमतौर पर उनको कहा जाता है जो कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या तो आर्टिकल लिखा करते हैं या न्यूज़ दिया करते हैं, और गिनी वीजली क्विडिच गेम की कॉरेस्पॉन्डेंट बन जाती है। हैरी पॉटर बुक की जो ऑथर है जेके रोलिंग, उन्होंने ये सोचा था कि क्यों ना हरमाइनी ग्रेंजर की एक बड़ी बहन को भी दिखाया जाए, लेकिन ये आइडिया उन्हें बहुत ही लेट आया था, इसलिए उस आइडिया को यूज़ नहीं कर पाई। वरना अगर ये आइडिया उन्हें बहुत पहले आ गया होता है, तो हमें पक्का हैरी पॉटर की मूवीज़ में हरमाइनी ग्रेंजर की बड़ी बहन को दिखाया जाता। ये तो हम सभी जानते हैं कि हैरी पॉटर की मूवीज़ की स्टोरी हैरी पॉटर की बुक से ली गई है, और इसी तरह हैरी पॉटर एंड द डेडली हॉलोज मूवी की स्टोरी हैरी पॉटर एंड द डेडली हॉलोज नाम की बुक से ली गई है। लेकिन पहले इस बुक का नाम हैरी पॉटर एंड द डेडली हॉलोज नहीं, बल्कि कुछ और होने वाला था, और वो नाम थे हैरी पॉटर एंड द एल्डर वॉन्ड और हैरी पॉटर एंड द ट्रेवल क्वेस्ट। लेकिन ये दोनों ही नाम जेके रोलिन को कुछ खास पसंद नहीं आए, इसलिए फाइनली इस बुक का नाम रखा गया हैरी पॉटर एंड द डेडली हॉलोज। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको एक जादू के बारे में बताया था, जिसका नाम होता है पेट्रोनस, और ये बहुत ही पावरफुल जादू होता है, और जो भी जादूगर इसका इस्तेमाल करता है, ये जादू एक जानवर की शेप ले लेता है। और यहाँ अगर हम रॉन वीजली द्वारा बनाए गए उस जानवर पर नज़र डालें, तो ये जानवर एक जैक रसल नाम की प्रजाति का कुत्ता होता है। और ये जैक रसल नाम की प्रजाति का जो कुत्ता होता है, ये आमतौर पर एक ऊटर नाम की जानवर का शिकार करता है। और अगर हम हरमाइनी ग्रेंजर द्वारा बनाए गए उस जानवर पर नज़र डालें, तो जानवर ऊटर ही होता है, यानी कि रॉन वीजली ने एक ऐसा जानवर बनाया जो कि हरमाइनी ग्रेंजर के जानवर का शिकार करता हो। आप सभी को हैरी पॉटर मूवीज़ की एक करेक्टर तो याद ही होगी, जिसका नाम होता है लूना लवगुड, और ये आगे चल के रॉल्फ स्कैमेंडर नाम के एक लड़के से शादी कर लेती है। और रॉल्फ स्कैमेंडर वही है जो कि न्यूट स्कैमेंडर का पोता है, जिसे कि हम हाल फिलहाल के लिए फैंटास्टिक बीस्ट की मूवीज़ में देख रहे हैं, और फैंटास्टिक बीस्ट की मूवी में हैरी पॉटर की मूवी से पहले की स्टोरी दिखाई जा रही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।